इसी साल भर्ती होंगे 10,000 से ज़्यादा टीचर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार इसी साल 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती करेगी। कैबिनेट ने बुधवार को ही एलिमेंट्री शिक्षा में 5,591 पद मंजूर कर दिए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा और पहले से मंजूर किए गए पदों को जोड़ दिया गया है। अगर उनको जोड़ दिया जाए तो यह संख्या करीब 12,000 बनती है। भर्तियों की शुरुआत बैच वाइज से की जाएंगी, सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग को दी जाएंगी। कैबिनेट ने टीजीटी के 2,276, जेबीटी के 2,521 और शास्त्री के 494 पदों पर स्वीकृति दे दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 1,488 कमीशन और 808 बैच के जरिए भर्तियां होनी हैं, जिनकी अप्रूवल जा चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग में भी 1,148 स्कूल लेक्चरर की अनुमति जा चुकी है। इसकी प्रक्रिया अलग से शुरू होगी। कुछ और पद भी अभी उच्च शिक्षा में भर्ती के लिए आएंगे। रोहित ठाकुर ने बताया कि अब उनका फोकस कोर्ट में फंसी भर्तियों को क्लियर कराने पर है। महाधिवक्ता के साथ एक बैठक हो चुकी है, इसमें कॉलेज प्रिंसिपल प्रमोशन के अलावा जेबीटी और पीईटी जैसी भर्तियों के विवाद को सुलझाने पर चर्चा हुई है। जेबीटी के 1,277 और पीईटी के 807 पदों की भर्ती पर सटे है, इसे भी हटाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक जेबीटी बनाम बीएड विवाद सवाल है, तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार है। जब तक यह फैसला नहीं आ जाता, एनसीटीई के वर्तमान नियमों के अनुसार बीएड को मौका देना पड़ेगा। जो भी फैसला कोर्ट में आएगा, सरकार उसे लागू करेगी। प्री नर्सरी टीचर व एनटीटी भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से डिप्लोमा की अवधि को लेकर जवाब नहीं आया तो राज्य सरकार खुद फैसला ले लेगी। प्रमोशन से भरे जाएंगे शिक्षकों के 2,000 पद।